घर की बनाई हुई चीज़ों की तो बात ही अलग होती है, क्योंकि उसे हम अपने हाथ से बनाते हैं तो उसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा लगने लगता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर बनाते हैं। तो मेरा मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा था कि मैं एग रोल खाऊं, तो फाइनली मैंने अपनी बहन को बोला कि प्लीज़ 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 मेरी बहना, प्यारी बहना, मेरे लिए एग रोल बना दो। और वो तैयार हो गई थी, तो वो बना रही थी। मैंने बोला चलो मैं इसको मिनी व्लॉग भी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं व्लॉग बनाने लगी और वो मेरे लिए है एग रोल बनाने लगी। तो अगर जो आपको इसकी पूरी रेसिपी चाहिए, मतलब कि स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, मैं इसका पूरा रेसिपी ज़रूर लेके आऊँगी। फिलहाल के लिए तो हाफ रेसिपी है, लेकिन फिर भी ये काफ़ी हेल्पफुल है। अगर जो आपको थोड़ा सा भी नॉलेज है कुकिंग का, तो आप इजली ये कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। तो वाह, एक बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा एक क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा मेरी बहन ने ले लिया। अपने यहाँ पे वो ना रोल बनाएंगी अच्छे से एकदम, जैसे मिलता है ना बाहर में। तो टिशू मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मैंने बोला चल पेपर पे ही बना लेते हैं। मेरी बहन ने तो ऐसा बना दिया, मतलब कि वो अलग अलग से सारा चीज़ डाल रही है, बट मुझे नहीं पसंद था। मैं जब भी बनाती हूँ तो मैं सब कुछ को एक में मिक्स करके फिर मैं रोल पर रख लेती हूँ, बट वो अलग अलग डाल रही। खैर अब मैंने फरमाइश की थी, अब वो जैसे भी बना कर दी मुझे, वो तो खाना पड़ेगा ना। तो फाइनली ये रोल बन करके रेडी हो चुका है, तो मैं टेस्ट करके बताती हूँ। तो ये टेस्ट करने के बाद मैं रिव्यू दे रही हूँ। काफ़ी मुझे अच्छा लगा था, लेकिन ये जो पहले मिक्स हो जाता तो ज़्यादा अच्छा लगता। ऐसे और व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।